पार्टी में कोई है ही नहीं तो किसको देंगे, दूसरे दल के नेता को ही ना बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी की पार्टी में कोई नहीं है, और देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री जी की क्या पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आगामी जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होना है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसी पर जब हमने बात किया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उनके दल में कोई नेता नहीं बचे हैं, तो वो दूसरे दल के नेताओं को झांक रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुनिए उनकी बात। पार्टी में कोई है ही नहीं तो किसको देंगे, दूसरे दल के नेता कोई ना बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी की पार्टी में कोई नहीं है, और देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री जी की क्या पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये उपचुनाव के परिणाम दर्शा रहे हैं भैया, गोपालगंज के परिणाम बता रहे हैं, कुंडी का परिणाम बता रहे हैं, फॉर दैट मैटर इवन मोकामा का। पिछली बार लड़े थे मोकामा, 40,000 पाए थे, इस बार एक वोट इनका नहीं गया। यही कुंडी में देख लीजिए, खुद इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, क्या हुआ इनके वोट का? पूरी तरीके से जनाधार मुख्यमंत्री जी की पार्टी खो चुकी है। तो भैया जब आपका जनाधार ही नहीं है, आपकी पार्टी में कोई नेता रहा ही नहीं है, मैं तो बल्कि मुझे ताज्जुब होता है कि इनकी पार्टी के नेता दूसरे दल के नेता को जब इनके नेता अपना नेता मानते हैं तो इनके दल के नेता खामोश रहते हैं। तो भैया वो भी तो बता ही रहे कि उन लोगों में कोई ताकत नहीं है, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई ताकत, कोई वो बचा फांसी की सजा मांग रही है, आपकी पार्टी के द्वारा दोषियों को कार्रवाई करते हुए बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए फांसी की सजा? जाकर देखिए जिनका घर उजड़ा है, भाई मैंने अपनों को खोया, मैं जानता हूँ अपनों को खोने का दर्द क्या होता है भाई। जिन्होंने अपने पिता को खोया, जिसने अपने भाई अपने बेटे को खोया, क्यों नहीं उन दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए? आप एक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं भाई, कानून के उल्लंघन में आप निर्दोषों को तो भैया आप जेल में डालते हैं। बिहार में जाकर देख लीजिए, लाखों गरीब परिवार के, पिछड़े वर्ग से आने वाले, दलित वर्ग से आने वाले लोग इस कानून के उल्लंघन के मामले में सालों साल से जेल में, लाखों ऐसे लोग हैं। पासी समाज को आप देख लीजिए, ताड़ी बेचने के आरोप में आप उन लोगों को सालों साल आप जेल के अंदर रखते हैं, कल छपरा जा रहे हैं, पर वहीं जब कोई जहरीली शराब बेचता है या जहरीली शराब बनाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, पर बाकी निर्दोषों को, इसने शराब पी इसको जेल में डालो, इसने शराब पी उसको जेल में डालो, इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता। इस कानून का दुरुपयोग कर जो शराब बना रहे हैं वो नहीं दिखते, पर जो पिएगा वो मरेगा। तो आपने साफ तौर पर सुना चिराग पासवान का, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके दल में कोई नेता नहीं बचा है तो वो दूसरे दल को ताक रहे हैं, और वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो जदयू है वो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जदयू के कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि आगामी में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, यानी कि साफ तौर पर सिर्फ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो आगामी चुनाव है उसमें नेतृत्व करेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।